हेलो एवरीवन, आईपीयू ने बीटेक कोर्स के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और उसमें बताया है कि आपकी स्पॉट राउंड के बाद जो डेट्स हैं वो 12th ऑफ अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन पर नजर डालें तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आपकी जो पार्ट अकेडमिक फी है 96,000 रुपीज की, वो आप 12th ऑफ अगस्त के 2 बजे तक जो है डिपॉजिट करा सकते हैं। और उसके बाद जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का प्रिंट है वो आप 4 PM तक प्रिंट आउट ले सकते हैं। और आपके पास जो विड्रॉल है, यानी कि अगर आप एडमिशन से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सेम डे यानी 12th ऑफ अगस्त के रात को 12 बजे तक जो है आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो आपके पास रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो आपके पास एक्सटेंडेड डेट है वो 12th ऑफ अगस्त तक है। वो 11 AM से 6 PM तक आप कर सकते हैं, यानी 11 बजे से और 6 बजे तक आप फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में जाके कर सकते हैं। ये बात सभी स्टूडेंट को लग रही होगी कि बार बार एक्सटेंड जो डेट्स हैं उनको नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रही हैं आईपीयू में। आईपीयू बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जस्ट बिकॉज CUET का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। क्योंकि CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन मिलता है और इस बार CUET का रिजल्ट जो है काफ़ी डिले हो गया है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आईपीयू के एडमिशन पे आ रहा है। तो थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन जब भी प्रोसेस चालू होगा, कॉलेज एडमिशन आपका हो जाएगा और जब कॉलेज शुरू हो जाएगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और नो डाउट, अगर आपको आईपीयू किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो ऑब्वियसली आपकी जो है लाइफ या करियर पाथ जो होगा वो एकदम सेटल होने की मुकाम पर होगा, तैयारी पर होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कॉलेज में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में, उसी के चलते थोड़ा बहुत डिले भी हो रहा है। मेजर रीजन मैंने बताया CUET में जो चेंजेस आए हैं, यानी कि जो रिजल्ट डिले हुआ है उसी का इम्पैक्ट जो है आईपीयू पे पड़ा है, उस कारण थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जिस नोटिफिकेशन से पहले उन्होंने बताया गया है कि जिन नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले आप ये सारे नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लिएगा, तो उसमें मैक्सिमम डेट जो दी गई है आपको, ये आपको यही बताया गया है कि यहाँ पे आपका जो है एक्सटेंशन का बार बार दिया गया है और बार बार जो चेंजेस करे गए हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। विश यू गुड लक, थैंक यू।